हेलो गाइस, आज हम लोग गेट 2006 में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ क्या दिया हुआ है इन्होंने। इन्होंने हमें बोला हुआ है, अ सीपीयू हैज़ अ 32 KB डायरेक्ट मैप्ड कैश विद 128 byte ब्लॉक साइज। इसका मतलब क्या है, सीपीयू के पास, एक सीपीयू के पास 32 KB की कैश मेमोरी है और एक 128, और उस कैश मेमोरी में 128 जो ब्लॉक का साइज़ होगा वो 128 byte होगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है, सपोज़ ए इज़ अ 2-डायमेंशनल एरे ऑफ साइज 512 × 512 विद एलिमेंट्स दैट ऑक्यूपाई 8 byte ईच। तो यहाँ पे इन्होंने हमें एक एरे दिया हुआ है जिसका डायमेंशन 512 × 512 है और उसमें हर एलिमेंट का साइज 8 byte है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे हमें दिया, कंसिडर द फॉलोइंग 2C कोड सेगमेंट्स P1 और P2। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने हमें दो कोड दिए हुए हैं, P1 और P2, राइट। अभी उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे इन्होंने हमसे क्या क्या दिया हुआ है। P1 और P2 आर एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली विद द सेम इनिशियल स्टेट। दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और सेम स्टेट से बढ़ेंगे, मतलब पहले कुछ नहीं कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। नेमली द एरे ए इज़ नॉट इन द कैश। जो आपका एरे ए है वो आपका अभी कैश मेमोरी के अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ क्या बोला है, ये हमें कुछ रजिस्टर्स दिए हुए हैं, IJX R इन रजिस्टर्स, जो हमने वेरिएबल यूज़ करे हैं IJX, ये हमारे रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर में लेट द नंबर ऑफ कैश मिसेस एक्सपीरियंस्ड बाय P1 be M1। जो इसको P1 ने जो कैश मिस एक्सपीरियंस करेगा वो M1 होंगे और जो P2 करेगा वो M2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने हमें वैल्यू ऑफ M1 मांगे, मतलब कितने P1 के लिए कितने मिस होंगे, और नीचे इन्होंने M1 by M2 मांगा है, मतलब P1 और P2 का जो मिस का रेशो है वो, ठीक है गाइस। तो इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैं आपको कुछ, ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। जो आपका आपको कैश मेमोरी का दी हुई है उसके अंदर नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ ब्लॉक इन कैश मेमोरी, राइट। उसके लिए हम क्या करते हैं, CS/BS, कैश साइज अपॉन ब्लॉक साइज, नंबर ऑफ़ एलिमेंट दैट कैन बी अकोमोडेट इन वन ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट आ सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक साइज अपॉन एलिमेंट साइज। उसके बाद जितने भी हमारे एलिमेंट हैं एरे के अंदर वो कितने नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स में स्टोर होंगे, ये वो कैलकुलेट करता है। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ़ ब्लॉक रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑल एलिमेंट ऑफ एरे, टोटल एलिमेंट यानी कि एरे के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो अपॉन नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन वन ब्लॉक, राइट। तो गाइस ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिखाया था, यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन से सारी इन्फॉर्मेशन उठा के हमारे यहाँ रख लिया पहले ये ऊपर वाले पैराग्राफ की। अब मैं पहले जो आपको फॉर्मूले दिखाए थे उन फॉर्मूलों के बेसिस पे कैलकुलेशन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ ब्लॉक इन कैश कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ ब्लॉक इन कैश, जो आपकी कैश मेमोरी है वो आपकी 32 KB है, राइट, अपॉन आपको 32 KB आपकी कैश मेमोरी है और आपके कितने नंबर ऑफ ब्लॉक होंगे, तो यहाँ ब्लॉक साइज करेंगे हम 8 byte। तो बाइट से बाइट कैंसिल, 8 1 जा 8 4 जा, तो ये आपके 4K ब्लॉक्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये आपके 2 की पावर 12 ब्लॉक्स हो गए, ठीक है गाइस। 2 की पावर 12 कैसे आए, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 10। अब हम दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी अकोमोडेट इन वन ब्लॉक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वन ब्लॉक विच इज़ इक्वल्स टू ब्लॉक साइज अपॉन एलिमेंट साइज। ब्लॉक साइज आपका यहाँ 8 byte अपॉन एलिमेंट का साइज आप, सॉरी गाइस, यहाँ पे आपका ब्लॉक साइज 128 byte है, तो हमने यहाँ कैलकुलेशन गलत कर लिया है ऊपर वाले के लिए भी, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये 128 हो जाता है आपका। तो ये यहाँ पे काट के ये मैं यहाँ कर देता हूँ, नीचे ये वाला पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके लिए, 32 KB अपॉन 128 byte, बी से बी कैंसिल, 2 की पावर 5 × 2 की पावर 10 अपॉन
2 की पावर 7, तो ये आपका 2 की पावर 8 आ जाएगा, 15, राइट। अब हम यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन वन ब्लॉक कितने आ सकते हैं, 128 बाइट अपॉन 8 बाइट, बी से बी कैंसिल, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, राइट। तो गाइस नंबर ऑफ़ ब्लॉक इन कैश, आपकी जो कैश मेमोरी गिवन है 32 GB, उसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं वही आपके ही आ गए 2 की पावर 8। एक ब्लॉक के अंदर आपके कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं वो आपके ही आ गए 2 की पावर 4, 16, ठीक है। अब हम अपनी थर्ड चीज़ कैलकुलेट करने जाएंगे, जो कि है आपकी नंबर ऑफ़ ब्लॉक रिक्वायर टू स्टोर ऑल एलिमेंट। ये जो आपके एरे के टोटल साइज़ कितना है, आपका एरे का टोटल मैं आपको पहले यहाँ लिखता हूँ, नंबर ऑफ ब्लॉक रिक्वायर टू स्टोर एरे विच इज़ इक्वल्स टू टोटल साइज, टोटल एलिमेंट, आपकी डायमेंशन क्या दी हुई थी, ये दी हुई थी, इतने एलिमेंट हो गए एरे के टोटल, राइट। और आपके एक ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट आ पा रहे हैं, हम वो ये निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वन ब्लॉक इज इक्वल्स टू 2 पावर 4, इट्स 16, सो वी कैन कैलकुलेट 2 पावर 9 इंटू 2 पावर 9 अपॉन 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 पावर 14, ठीक है गाइस। तो ये जो आपका एक एरे गिवन है जिसका डायमेंशन ये है 2D एरे का, वो आपका इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स में आ पाएगा। पहली जब हमने बेसिक काम तो हम कर चुके हैं अपना पूरा, अभी हम चलते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ देखिए इन्होंने यहाँ क्या करा हुआ है। हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, वैल्यू ऑफ M1 निकालेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ मिसेज एक्सपीरियंस बाय प्रोग्राम P1, राइट गाइस। तो इन्होंने आप यहाँ पर आके देखेंगे तो इन्होंने 2 लूप चलाए हुए हैं, और उसमें इन्होंने, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, कुछ इस तरह से लूप चल रहे हैं, i0 i512 i++, इसके अंदर एक और लूप j0 512 j++, उसके अंदर इन्होंने कुछ हमें स्टेटमेंट लिख के दिया हुआ है, x = x + a i and j, फिर ये लूप बंद, ठीक है गाइस। अभी गाइस क्या होगा, आप पहला जब आपका आई जी पहले आपके रेफरेंस मेमोरी रेफरेंस कैसे कैसे आएंगे देखिए, जब लूप चलेगा तो कुछ इस तरह से चलेगा, a(0x = x) a(01), ऐसे ही करते करते ये वाला आपका a(0 511) तक जाएगा, राइट। उसके बाद ये फिर दोबारा लूप आगे तक चलेगा, तो वो अब फिर आई की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे फिर, और फिर जे की वैल्यू, अभी ये i = 0 के लिए, ये i = 0 के लिए चला, फिर ये ऐसे ही i = 1 के लिए चलेगा, और अप टू i < 511 तक चलेगा, ठीक है। इस अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे इतना हम कर चुके, ठीक है। अभी हमें ये पता है कि एक ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं, एक ब्लॉक के अंदर 16 एलिमेंट हमारे आ सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आप मेमोरी को फिल कर सकते हैं। यह आपकी कोई कैश मेमोरी है जिसका साइज 32 KB था हमें गिवन, राइट। ये कितने नंबर ऑफ लाइंस में हमने डिवाइड करी है वो मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बताया था, वो था 2 की पावर 8, तो ये आपका 2 की पावर 8 हो गया। उसके बाद ये एक पर्टिकुलर, ये जैसे b0 b1 up to b127 हो गया, तो एक ब्लॉक कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता है वो हमने यहाँ कैलकुलेट करा है, ये रहा 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो ऐसे करते करते 0 1 up to 15, ये कुछ इस तरह से आपका होगा मेमोरी अरेंजमेंट, ठीक है गाइस। अभी आपका क्या है, पहले आपका ये जो प्रोग्राम P1 है, यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोग्राम P1, तो क्या होगा, ये पहले आपका 0 0 को रेफ़र करेगा, 0 0 को 0 1, ऐसे करते करते कुछ आपका ऐसे होगा 0 5 1 1 1 0 1 1 1 2 1 5 1 1 up to 5 1 1 0 5 1 1 1 5 1 1 5 1 1, ठीक है गाइस। पहला आपको ये रेफ़र होगा आपका। अभी हमें यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये जो है इनिशियली दी एरे ए इज़ नॉट इन दी कैश है, मतलब कैश है तो हमारी खाली है, मतलब अभी हम जब हम पहला रेफ़र करने जाएंगे
तो 0 0 वो आपका यहाँ पे मिस हो जाएगा। जब आप ये वाला ऐसे रीड करने जाएंगे तो वो आपको मिस हो जाएगा पहला, ठीक है गाइस। गाइस जैसे ही हमारा पहला रेफरेंस मिस होगा तो क्या होगा, 0 0 के साथ हम यहाँ पे 16 एलिमेंट, जैसे 0 यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, 0 0 के लिए तो मिस होगा, उसके साथ बट ये होगा 0 1 0 2 अप टू 0 15। ये बाकी के 0 0 तो उठ के आएगा एलिमेंट, बट ये एलिमेंट्स और उसके साथ उठ कर आ देंगे, क्योंकि आपका जब भी ट्रांसफ़र होता है वो पूरा एक ब्लॉक ट्रांसफ़र होता है प्राइम मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, तो इसीलिए आपका ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक 16 उसका होगा, वो उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, पहला तो मिस होगा आपका, उसके बाद के जैसे ही आपका 0 0 मिस हुआ, फिर आप 0 1 रेफ़र करने गए तो वो हिट हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे 0 2 रेफ़र करने जाएंगे वो हिट हो जाएगा, ऐसे करते करते 0 15 तक आपका हिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अगला रेफरेंस आप 0 16 करेंगे, 0 16 के लिए आपका फिर अभी ये आपका लाइन वन में डेट आउट किया गया था, लाइन ब्लॉक 0 में डेट आउट किया गया था, ठीक है। तो इतने आपका हो गया पूरा। अब जैसे ही आप 0 16 के लिए यहाँ पर रेफ़र करेंगे, यहाँ आपका यहाँ कोई 0 16 पड़ा होगा, जैसे ही आपने 0 16 के लिए रेफ़र करा तो क्या होगा, 0 16 के लिए आप फिर मेमोरी में जाकर सर्च करेंगे, ब्लॉक वन में तो आपका 0 0 से लेकर 0 15 तक पड़ा है, बाकी सारे ब्लॉक्स नीचे आपके एम्प्टी हैं, तो कहीं कुछ नहीं है, मतलब फिर ये मिस हो गया। जैसे ये मिस हुआ फिर क्या होगा, अगला दोबारा उठ के आएगा, 0 1 पहला मिस, बाकी उसके साथ 15 एलिमेंट्स आगे के दोबारा उठ के आएंगे, 0 1 8 अप टू ऐसे करते करते 0, और ये फिर आपका और क्या उठ के आएगा, 0 31 तक उठ के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्लॉक वन में डेट आ गया, तो ये आपका फिर हिट हो जाएगा जब दोबारा रेफ़र करें, जब मेमोरी 0 1 एलिमेंट जो 0 17 पोजीशन पे उसे रेफ़र करेगी तो ये हिट हो जाएगा, फिर 0 18 के लिए हिट हो जाएगा, अप टू 0 31 के लिए हिट होगा। इसी तरह से जब 0 32 आपका आएगा तो वो मिस होगा, 0 32 आपका हिट होगा, इसी तरह से फिर 16 एलिमेंट उठ के आएंगे B2 में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम एक बात ऑब्जर्व करें तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अभी हमने यहाँ देखा कि हमारे पास हमें कितनी लाइन चाहिए स्टोर करने के लिए पूरे एरे को, वो चाहिए 2 की पावर 14, ठीक है, 2 की पावर 14। बट अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो पर लाइन हमारा एक मिस हो रहा है, बाकी 7 हिट हो रहे हैं, राइट। तो इस तरह से अगर हम देखें पूरा एरे हमारा 2 की पावर 14 लाइन ब्लॉक्स में स्टोर हो पा रहा है, ठीक है, इतना हमें पूरा एरे स्टोर करने के लिए चाहिए। बट अगर हम यहाँ देखें तो एक ब्लॉक में हमारा क्या हो रहा है, एक ब्लॉक में हमारे टोटल एलिमेंट 8 हैं, जिसमें फर्स्ट वाला मिस है, 1 मिस एंड 7 हिट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो जब एक ब्लॉक की ये है तो 2 की पावर 14 ब्लॉक्स के लिए क्या होगा, तो 2 की पावर 14 ब्लॉक्स के लिए नंबर ऑफ मिसेस कितने होंगे, 2 की पावर 14 × 1 = 2 की पावर 14 मिसेस हो जाएंगे। यही आपके P1 के नंबर ऑफ मिसेज हैं गाइस, ये आपका M1 है नंबर ऑफ मिसेज। तो गाइस यही आपका यहाँ 2 की पावर 14, M1 = 2 की पावर 14 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 16384। तो आपका आंसर यहाँ पे C हो जाएगा इस तरह से, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये समझ आया होगा फर्स्ट पार्ट। अभी मैं सेकंड पार्ट पे चलता हूँ और आपको सेकंड पार्ट दिखाता हूँ, सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है सेकंड क्वेश्चन। तो गाइस अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो इन्होंने हमसे M1 / M2 मांगा है। हम M1 पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 2 की पावर 14 है हमारे पास, राइट। अब हम यहाँ M2 कैलकुलेट करेंगे, तो M2 कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए इन्होंने ये क्या लिखा हुआ है, P2 के लिए हम M2 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बस एक चेंज इतना सा है कि पहले इन्होंने यहाँ पे P2 में क्या करा है, लूप सेम चल रहा है, बस x = xAj i कर दिया है, ठीक है गाइस, AJ i कर दिया है इन लोगों ने। तो यहाँ और आपका P1 में ये कंडीशन क्या थी, x = x + aij थी, ठीक है गाइस। बस यहाँ इन्होंने क्या करा है, अब जो हम एरे ट्रैवर्स करेंगे ये वाला, हाँ सॉरी ये रहा आपका एरे, अब ये एरे जो रेफ़र होगा वो कॉलम वाइज होगा। पहले आपका जो एरे फर्स्ट पार्ट में जो एरे हो रहा था वो रो वाइज हो रहा था,
ट्रैवर्स, बट अभी ये कॉलम वाइज होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं इस वाले के लिए, तो मैं आपको यहाँ रफली कुछ 01 02 up to 051 ऐसे करते करते 5110 up to 511 511 आपका जो लूप चलेगा पहले 00 10 20 30 40, ये कुछ इस तरह से आपके रेफ़र करेगा मेमोरी को 5110, ठीक है। इस वाले के लिए आपका ये लूप इस तरह से कुछ मेमोरी रेफ़र करेगा जी, फिर से वही सेम होगा। 00 के लिए जैसे जाएंगे वो होगा आपका मिस, तो 00 के लिए मिस। बट आपको पता है कि 00 के साथ हम भी हमारे पास 15 एलिमेंट्स आउट करेंगे, वो 15 एलिमेंट्स कौन से होंगे, 01 02 03 up to 015, राइट। तो मैं गाइस आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 00 मिस होने पे 01 02 03 ये ऐसे करके 015 मेरे पास पूरे ये 16 एलिमेंट्स उठ के आ जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि 00 के साथ 10 12 13 115 उठ के आ रहा हो, वाई इट इज़ सो। तो भाई ये हमारा एरे का जो स्टोरेज है, मतलब किस तरह से एरे स्टोर है मेमोरी के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे 00 01 02, एंड लेट मी मैं आपको एक छोटे एग्जांपल से बता रहा हूँ, 20 21 22, ये मैंने सिर्फ एक 3x3 का एरे लिया हुआ है। अगर मैं इसको दो तरह से मेमोरी में स्टोर कर सकता हूँ, एक रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करने का, 00 01 02 10 11 12, मतलब पूरी पूरी रो स्टोर करेंगे उसके बाद, ठीक है। अभी मैं इसको कॉलम में कर दूँ, कॉलम मेजर में, तो क्या होगा, 00 10 20 01 11 sorry 21 02 12 22, तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये आपकी रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है गेट का, उस क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि हमारा एरे किस तरह से मेमोरी में स्टोर होगा, रो मेजर में या कॉलम मेजर ऑर्डर में। तो गाइस इस केस में हम बाय डिफ़ॉल्ट जब ऐसा क्वेश्चन दिया होता तो हम वहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा एरे है वो हमारा रो मेजर ऑर्डर में स्टोर है मेमोरी के अंदर, इसको एज्यूम करते हैं। इसीलिए मैं जब भी बोल रहा हूँ आपको कि बार बार हमारा मिस हो रहा है, तो हमेशा 00 के साथ 01 02 03 up to 015 उठ के आ रहा है, ना कि 00 01 012 13 उठ के आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रो मेजर में है, तो रो मेजर में यही उठ के आएगा। आप यहाँ पे अगर कभी मिस होगा तो क्या उठ के आएगा, 00, जैसे यहाँ तीन एलिमेंट है, 00 01 02, ये कुछ इस तरह से उठ के आएंगे, ठीक है। तो वहाँ हमारा एक मतलब एक रो के अंदर 512 एलिमेंट्स थे, तो इस वजह से मतलब वहाँ पे उतने एलिमेंट्स उठ के आ रहे हैं, मतलब 015 आ रहा था और फिर ऐसे करते करते 0511 हो जाता। तो सिर्फ इसी रीज़न की वजह से हम 00 के साथ 01 उठा के ला रहे हैं, ना कि 10, क्योंकि वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एरे रो मेजर ऑर्डर में स्टोर होता है मेमोरी में, इसलिए क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए हमने ये सिनेरियो अज्यूम करा है कि हमारा ऐसे स्टोर है, इसलिए 00 के साथ 01 उठ के आ रहा है, ना कि 10। तो पहला मिस हो गया, बट आप अगला देखेंगे तो आपका 10 रेफ़र हुआ है, बट आपका 10 अभी तक यहाँ नहीं आया और नीचे के ब्लॉक्स में भी नहीं आया होगा। ये B0 है, बाकी नीचे B1 से लेके B127 तक सब एम्प्टी है, बट B0 में भी आपका 10 नहीं आया। तो आप फिर क्या करेंगे, दोबारा एक ब्लॉक रेफ़र करेंगे जिसमें आप 10 मंगाएंगे, जिसमें 10 आएगा। तो 10 आने के बाद 11 12 13 up to 115 ऐसे आएगा, ठीक है। तो फिर पहला मिस, फिर 20 देखेंगे तो 20 यहाँ फिर आपको कहीं नहीं दिखेगा, फिर 20 के लिए आप दोबारा करेंगे तो 21 22 23 up to 215, ये फिर ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, यहाँ जितने भी हमारे रेफरेंस होंगे, आपके यहाँ टोटल रेफरेंस कितने होंगे, लूप आपके 512 into i आपका इतना चल रहा है, और हर एक i के लिए आपका j इतना चल रहा है, तो आपके टोटल रेफरेंस कितने होंगे, टोटल रेफरेंस इज इक्वल्स टू 512 into 512, ये आपके नंबर ऑफ टोटल रेफरेंस होंगे, ठीक है गाइस, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो जितने सारे के सारे रेफरेंस मिस हो जाएंगे,
इसी तरह से ये मेमोरी रेफ़र होगी 3.0 के लिए फिर मिस, 4.0 के लिए फिर मिस, इसके लिए फिर मिस, फिर आप दोबारा 1.0 करेंगे फिर मिस, इस तरह से करेंगे तो ये पूरी की पूरी मेमोरी आपकी यहाँ पे सारे के सारे रेफरेंस मिस में जाएंगे, ठीक है। तो M2 के जो आपके नंबर ऑफ़ मिसेज हैं वो आपके हो गए 2 की पावर 18, मतलब 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9 इजिकल्स टू 2 की पावर 18, जो कि ये यहाँ से आया, ठीक है। अब हमें यहाँ निकालना है M1 बाई M2, हमें पता है 2 की पावर 14 अपॉन 2 की पावर 18, इट्स 2 की पावर 4 1 बाई 16, ठीक है गाइस। और आपका यहाँ 1 बाई 16 भी, यही आपका आंसर है गाइस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, बाय।